हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, जो एक 19 इंच की एलसीडी का कार्ड है। ओके दोस्तों, ये कॉनिक कंपनी का 19 इंच की एलसीडी का कार्ड है। इसमें प्रॉब्लम था, कस्टमर ने ये बोला कि कभी कभी टीवी चालू ही नहीं होता है। ये रेड कलर के जो इंडिकेटर है दोस्तों, ये कंटिन्यू जलता ही रहता है। बटन से भी, रिमोट से भी कोई काम नहीं करता, चालू ही नहीं होता है, रेड चलता ही रहता है। और 6-7 बार बटन चालू करो तो कभी कभी चालू भी हो जाता था। तो इस तरह का इसमें प्रॉब्लम कस्टमर ने हमें बताया था दोस्तों। तो सेम प्रॉब्लम मुझे भी यहाँ देखने को मिला। जब हम इसके चालू करते थे तो ये जो रेड कलर के इंडिकेटर हैं दोस्तों, रेड कलर के लाइट, ये कंटिन्यू जलता ही रहता था। तो इसमें मैंने बहुत सी मेहनत किया, तो मैंने सोचा कि आप सबको बताना ज़रूरी है दोस्तों। तो इस हिसाब से मैंने इसको कम्प्लीट रिपेयर कर दिया है और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर बता देता हूँ मैं आपको इसमें प्रॉब्लम कहाँ था और इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया। ओके दोस्तों, कई बार क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम में कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ओके, ये जो कैपेसिटर है इसके भी कोई फॉल्ट होते हैं, या वोल्टेज कोई 3.3 मिसिंग होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सारे वोल्टेज कम्प्लीट आ रहे थे दोस्तों। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा जो एक कनेक्शन लगा है, ये कन्वर्टर है। ओके दोस्तों, ये रेगुलेटर लगाए तो इसमें देखिए, यहाँ से 3.3 आउट होता है और यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट होता है दोस्तों। ओके, तो ये 3.3 भी कंप्लीट आ रहा था, यहाँ पे 5 वोल्ट कंप्लीट आ रहा था। मतलब वोल्टेज मोस्ट ऑफ यहाँ पे देखिए, ये आईसी पे आपको यहाँ पे ये दोनों पे 3.3 देखने को मिलता है, ये भी आ रहा था हमारा कम्प्लीट। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा 3.3 कम्प्लीट आ रहा था। तो उसके बाद हमने ये कैपेसिटर भी पहले चेंज करके देख लिए सब, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि वोल्टेज सारे ओके आ रहे थे। तो हमने ये क्रिस्टल भी चेंज करके एक बार देखा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों। तो हमने लास्ट में क्या किया, इसमें पीसीबी को हमने पूरा थिनर से क्लीन किया, और थिनर से क्लीन किया उसके बाद हमने उसको हॉट गन की मदद से इसे गर्म किया, और उसको तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था दोस्तों। ओके, लेकिन जब तक ये पीसीबी गर्म होता था ना, तभी तक पावर ऑन होता था, उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाता दोस्तों। तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन इसमें बहुत ट्राई किया तब जाके मिला, तो मैं सोचा आप सबको बता दूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 5 लेग की आईसी आती है, ये ओके दोस्तों, ये 5 लेग की आईसी जो आती है ना, ये हमने चेंज किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। देखिए मैं आपको खराब बता दिखा देता हूँ, इसके अंदर ये लगा हुआ था। देखिए दोस्तों, ये आईसी लगी हुई थी, इसका मॉडल नंबर है, देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, LD4HU दोस्तों, ये आईसी थी 5 लेग की यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ख़राब बोर्ड था पुराना, तो इसमें से मैंने निकाला। देखिए यहाँ पे लगा हुआ था ये आईसी, यहाँ पे लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ से निकाल के इसके अंदर लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। यहाँ पे भी वोल्टेज ओके आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ये पॉइंट जो है ना दोस्तों, यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज ओवर आ रहा था। मतलब यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए 1.2 या 1.3 आना चाहिए ये वाले लेग पे, जो ज़्यादा आ रहा था। ओके दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम मैंने इसमें लगाया, और देखिए रेड लाइट चालू हो गया, ये अब कंप्लीट चालू हो गया दोस्तों। देखिए इसके पहले क्या हो रहा था, ये रेड लाइट जो जल रही थी ये चालू ही नहीं हो रहा था दोस्तों। ये है कार्ड, कार्ड का मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये कार्ड का मॉडल नंबर है। ओके दोस्तों, ये 19 इंच एलसीडी का कार्ड है दोस्तों। देखिए इसका पावर सप्लाई भी है, पावर सप्लाई भी ओके है इसका, हमने दूसरा पावर सप्लाई भी लगा के देखा था सब कुछ। तो एलसीडी हमारे पास नहीं, हमारे पास कस्टमर खाली कार्ड ही लाया है, तो उस हिसाब से दुकान वाला ही था और भी रिपेयर करता, उससे नहीं समझ में आया तब मेरे पास लेके आया था। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कहाँ था। ये जो 5 लेग की आईसी आती है दोस्तों, देखिए ये 5 लेग की आईसी है, उसी में प्रॉब्लम था दोस्तों। ओके, तो ये एलसीडी हमने कंप्लीट रिपेयर कर दिया है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने इसमें बार बार देखे, बंद करके चालू करके भी चेक कर लिया है। देखिए ओके दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मुझे लगा आप सबको बताना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना दोस्त, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप सबके लिए बनाता रहूँ। आप लोग सब्सक्राइब करते हो हमारे को, लाइक करते हो वीडियो को, तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।